valid publication of names. So under the rules and recommendations of ICN International Code of Botanical Nomenclature, वहाँ पे rules के साथ ये भी एक important rules है कि नाम, एक नाम किसी भी taxonomic group का नाम valid कब होता है, ठीक है, यानी कि वो legitimate नाम कब बन जाता है. A name of a taxon when first published should meet certain requirements so as to become a legitimate name. ठीक है, for example किसी भी नाम को वैलिड या लेजिटिमेट मानने के लिए, वैलिड होने के लिए उस नाम के साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरा होना चाहिए उस नाम को वैलिड मानने के लिए. ठीक है, उस नाम उन रिक्वायरमेंट में से सबसे पहला रिक्वायरमेंट है फॉर्मुलेशन. ठीक है, जब भी आप किसी स्पीशीज को या किसी भी चीज को अगर किसी टैक्सोनॉमी ग्रुप को अगर आप नाम दोगे तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको पूरा करना पड़ेगा. ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट है फॉर्मुलेशन. ठीक है, ए नेम शुड बी प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड एंड इट्स नेचर इंडिकेटेड बाय अ प्रॉपर एब्रिविएशन आफ्टर नेम ऑफ द ऑथर. नाम को आप ऑथर के नाम के बाद फॉर्मुलेशन या फॉर्मूला वहां पे लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए sp.nov, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है फॉर स्पीशीज नोवा, मतलब नए स्पीशीज के लिए. फॉर एग्जांपल ए न्यू स्पीशीज टू साइंस ट्राइगोपगोन कश्मीरियानस जी सिंह. ठीक है, ये एक नया स्पीशीज गुरचरण सिंह ने खोजा है और उसने नाम प्रपोज किया है और उसके साथ उसको ये भी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा sp.nov करके. ठीक है, पब्लिश इन 1976. ठीक है, तो सबसे पहले जब पब्लिकेशन कर रहे होंगे इस नाम को, पब्लिकेशन में पब्लिश कर रहे होंगे तो इस तरह का फॉर्मूला आपको वहां पे यूज करना होगा नए स्पीशीज के लिए, अगर वो स्पीशीज नया है तो. ये एक और फॉर्मूला है com.nov फॉर कॉम्बिनेशन नोवा. ठीक है, ए नेम चेंज इन्वॉल्विंग द एपिथेट ऑफ द बेसियोनिम नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर बीइंग केप्ट विद इन द पेरेंथेसिस वेलिजनरिया नटन्स लॉर हर. हमने पहले डिस्कस किया, अगर कोई नाम चेंज है, ठीक है, कोई नाम चेंज किया है, उस नाम चेंज को वैलिड करने के लिए, हाँ, चेंज नाम को वैलिड या लेजिटिमेट करने के लिए भी उसके साथ उसको आपको com.nov जोड़ना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे LOR के नाम को इसने चेंज किया है, हारा ने चेंज किया है और ये चेंज नेम है, तो आपको ये पहली बार जब पब्लिकेशन कर रहे हैं इस चेंज को, अगर हम पहली बार अब दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं तो आपको ये com.nov लिखना पड़ेगा. और पब्लिश इन 1974 में इसने चेंज किया है फिस्कियम नटन्स को चेंज करके, इसने वेलिसनेरिया नटन्स किया है. ठीक है, तो इसके बाद है आपका com@stat.nov, यानी कि कॉम्बिनेशन एट स्टेटस नोवा व्हेन ए न्यू कॉम्बिनेशन आल्सो इन्वॉल्व द न्यू स्टेटस. फॉर एग्जांपल आपने एक चेंज किया है, उस वक्त उस चेंज में उसका स्टेटस भी चेंज हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेटस चेंज हुआ है मतलब आपने किसी जीनस के नाम को चेंज किया और वो जीनस अब जीनस नहीं रहा, स्पीशीज बना दिया आपने उसको. ठीक है यार, या आपने उस जीनस को फैमिली बना दिया. ठीक है, और नाम को भी चेंज कर दिया, तो उस वक्त आपको ये सारा फॉर्मूला उस नाम के साथ वैलिड बनाने के लिए आपको तो पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने चेंज किस बेस पे किया, क्यों किया, और ये सब आपने प्रूव कर दिया तो इसके बाद जब आप पब्लिश कर रहे होंगे सबसे पहले इस नाम को, तो आपको ये सारा फॉर्मूला उस नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा. ठीक, nom.nov फॉर नोमन नोवम व्हेन द ओरिजिनल नेम इज रिप्लेस्ड एंड इट्स एपिथेट कैन नॉट बी यूज्ड इन द न्यू नेम. फॉर एग्जांपल आपने एक नाम चेंज किया, उस नाम में आपने जो पुराना एपिथेट है, फॉर एग्जांपल हमने बेसियोनिम के केस में देखा, पुराना एपिथेट यूज करते थे, बेसियोनिम का पुराना एपिथेट यूज करके साइनोडोन डेक्टिलोन किया था, पेनिकम डेक्टिलोन से साइनोडोन डेक्टिलोन, यानी कि डेक्टिलोन को रिटेन किया था. अगर किसी नाम में वो एपिथेट यूज नहीं कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको उसको वैलिड करने के लिए उसके साथ नाम चेंज करने के बाद पब्लिश करते वक्त आपको nom.nov लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये सारे हो गए फॉर्मुलेशन. किसी नाम को वैलिड करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन, दूसरा है लैटिन डायग्नोसिस. ठीक है, इसके बाद नेम्स ऑफ ऑल न्यू स्पीशीज पब्लिश इट आफ्टर फर्स्ट जनवरी 1935 ऑनवर्ड शुड हैव लैटिन डायग्नोसिस, यानी कि लैटिन में उसकी करेक्टर्स को आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जब भी कोई अगर नया स्पीशीज आप डिस्कवर करोगे और उस नाम को पब्लिश करोगे तो नाम के साथ फॉर्मुलेशन होगा पहले, तो फॉर्मुलेशन के बाद आपको उसके कैरेक्टर्स को लैटिन में डायग्नोस करना पड़ेगा, यानी कि लैटिन में उसको
ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या आपने किसी और लैंग्वेज में लिखा है तो आपको उसको लैटिन में भी ट्रांसलेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया लैटिन डायग्नोसिस। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट आपके बुलेट पब्लिकेशन के लिए, तीसरा रिक्वायरमेंट है टाइपिफिकेशन का। ठीक है, ये हमने टाइपिफिकेशन आपने लास्ट के क्लास में, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, जब भी किसी नाम को आप पब्लिश करोगे तो उसके साथ उसका होलोटाइप शुड बी डिजिग्नेटेड, यानी कि होलोटाइप वहां पे जरूर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने रिक्वायरमेंट हो गए, एक तो आप क्या करोगे, फॉर्मुलेशन करोगे। आप पहले तो आप ये साइंटिस्ट का नाम या ऑथर का नाम उस नाम के साथ रखोगे, इसके बाद फॉर्मुलेशन फॉर्मूला रखोगे या SPNOV या स्पीशीज नोवा करके। ठीक है, नए स्पीशीज के लिए। इसके बाद आप क्या करोगे, उसके कैरेक्टर्स को लैटिन में ये ट्रांसलेट करोगे या लैटिन में लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद टाइप, एक टाइप आपको डिजिग्नेट करना पड़ेगा, यानी कि एक स्पेसिमेन आपको बना के किसी एक हर्बेरियम में प्रिजर्व करना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा कि इस वाले स्पेसिमेन पे बेस है मेरा ये नया नाम। ठीक है, तो पब्लिकेशन आफ्टर 1 जनवरी 1958 ऑफ द नेम ऑफ न्यू टैक्सॉन ऑफ द रैंक ऑफ जीनस आर बिलो इज वैलिड ओनली व्हेन द टाइप ऑफ द नेम इज इंडिकेटेड। ठीक है, 1958 के बाद कोई भी नाम अगर प्रपोज किया है तो उस नामों का टाइप जरूर होना चाहिए। ठीक है, 58 से पहले का इंपॉर्टेंट नहीं है, 58 के बाद जितने भी सारे नेम है उन नामों के साथ आपको टाइप डेजिग्नेट करना इंपॉर्टेंट है अपने नाम को वैलिडली पब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो नेम पब्लिश इट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2007 वुड रिक्वायर ए स्पेसिमेन नॉट ए मियर इलस्ट्रेशन। ठीक है, 58 से 2007 तक के पब्लिकेशंस में टाइप होना चाहिए, टाइप में स्पेसिमेन हो या कोई एक डायग्राम हो, इलस्ट्रेशन हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन 2007 के बाद जितने भी सारे नया नाम आप प्रपोज करोगे या प्रपोज किया है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिमेन के लिए आपको सिर्फ, हाँ, टाइप के लिए आपको स्पेसिमेन ही रखना पड़ेगा, यानी कि इलस्ट्रेशन से अब काम नहीं चलेगा, डायग्राम वगैरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और चौथा रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव पब्लिकेशन। आप नाम, ये सब रिक्वायरमेंट, टाइपिफिकेशन, आप फॉर्मुलेशन, ये सब करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में है आपका, कि आप उस नाम को पब्लिकेशन, इफेक्टिव पब्लिकेशन करोगे। ठीक है, बिकम इफेक्टिव बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटेड फॉर्म थ्रू सेल, चेंज और गिफ्ट, और किसी भी जनरल पब्लिक में आप या किसी बोटेनिकल इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी में आप उसको पब्लिश करके आप वहां पे दे दोगे। ठीक है, आप क्या करना है, आपको ये सब करके पब्लिश करके लिख के अपने पब्लिकेशन को प्रिंटेड फॉर्म में निकाल के आप क्या करोगे, या सेल करोगे या किसी को एक्सचेंज कर दोगे या गिफ्ट कर दोगे या पब्लिक लाइब्रेरी, किसी पब्लिक लाइब्रेरी में आपको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट में आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार पॉइंट है आपके इफेक्टिव पब्लिकेशन के लिए, यानी कि किसी एक नाम को वैलिड मानने के लिए। ठीक है, इस चार में से अगर कोई भी एक अगर नहीं होगा या मिसिंग होगा तो आपके नाम को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का क्या रूल है। ठीक है।